के साथ माधुरी कलाल और इस वक्त मैं भारत के सबसे छोटे राज्य गोवा में हूँ। गोवा में मैं अपनी 8000 किलोमीटर की यात्रा को पूरी करके आई हूँ। चुनावी एक्सप्रेस में हम पहुंच चुके हैं गोवा के एक खूबसूरत बीच पर, क्योंकि ये वही गोवा है जहाँ अलग अलग संस्कृतियों का मिलन होता है, जहाँ ना लोग हिंदू मुसलमान समझते हैं, ना किसी एक विचारधारा को समझते हैं। और हम भी विचारधाराओं से परे ऐसे ही लोगों की ओपिनियन जानने आए हैं जो इस बार सरकार चुनने में मताधिकार का इस्तेमाल भी करेंगे। तो चलिए हमारे साथ चलते हैं इस बीच पर और जानेंगे लोगों से उनकी राय। क्या नाम है सर आपका? ओपी खंडेलवाल। अच्छा खंडेलवाल साहब, किधर से आए आप? गुड़गांव। गुड़गांव से घूमने आए हैं। अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा। It's beautiful place. Definitely. अच्छा, गोवा में लोग बहुत अलग अलग कल्चर को मिक्सअप करके रखते हैं और बांध के रखते हैं भारत को। जब देश की बात होगी तो सरकार और लीडर्स की भी बात होगी, तो इस बार क्या लग रहा है किसकी सरकार? मेरे लिए तो मोदी। आपके लिए मोदी? क्यों मोदी, कोई और क्यों नहीं? और कोई न तो कोई ईमानदार आदमी है, न किसी का विजन है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, कम से कम कुछ नहीं तो एक देश का नाम तो विदेशों में अच्छा हो ही रहा है। तो क्या लगता है मैम, आपकी बार किसकी सरकार? मोदी की सरकार। अच्छा, राहुल गांधी क्यों नहीं? अनुभव नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये क्यों नहीं, अनुभव नहीं, एजुकेशन नहीं। वो तो ही बॉर्न विद सिल्वर स्पून। अच्छा, वो वाली बात है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। और भी कई लोग हैं यहाँ। इस बार क्या लग रहा है किसकी सरकार आएगी? लग रहा है तो मोदी का ही आएगा। मोदी का सरकार क्यों? क्योंकि कुछ काम ऐसे ही किया उन लोगों ने। अच्छा 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 किया। हाय, क्या नाम है आपका? मेरा नाम केतन है। केतन, yes. किधर से आए? मैं पुणे से आया हूँ। पुणे से। केतन, आप यंग सोच रखते हैं। हाँ। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार? इस बार मुझे लगता है राष्ट्रवादी की सरकार, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी। और केंद्र में? केंद्र में भाजपा की रहेगी। भाजपा की रहेगी, तो इधर नहीं जीतेगी भाजपा तो उधर कैसे मजबूत होगी? पर महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी रहेगी, इतना मालूम है। एनसीपी? एनसीपी। और केंद्र में कौन, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? नरेंद्र मोदी रहेंगे। अच्छा ठीक है सर, बड़ा अच्छा चश्मा लगाए आप, सनसेट दिख रहा है आपको खूबसूरत से? हाँ, दिख रहा है। हाँ? दिख रहा है। अभी मैं अगर दिखा पाऊँ अपनी जनता को तो उधर देखिए, अब लाइट थोड़ी कम हो गई, सर इधर आ जाइए। एकदम जो सनसेट का नजारा है उसमें ऐसे चश्मा लगाए हुए और फोटो एकदम कैमरा हाथ मिली हुई। क्या नाम है आपका? निखिल। निखिल कहाँ से आए? पुणे से। पुणे से। निखिल, इस बार क्या लग रहा है किसकी सरकार? राहुल गांधी। क्यों राहुल गांधी? नरेंद्र मोदी से अच्छे ही हो तो। अच्छे हैं कैसे? उनकी आइडियोलॉजी मतलब जो है आरएसएस की विचारधारा जो है। हाँ। वो खास करके मुझे पसंद नहीं है। अच्छा। राहुल गांधी जो है वो सेक्युलर पार्टी। हाँ, ठीक है, थैंक यू सो मच। क्या नाम है? जितेश मेवाने। जितेश। हाँ। मेवाणी। मेवाने। मेवाने किधर से आए? फ्रॉम पुणे। अच्छा पुणे से। जितेश, क्या लगता है आपको इस बार किसकी सरकार, बीजेपी या कांग्रेस? नहीं, इन सेंट्रल बीजेपी। इन सेंट्रल बीजेपी। हेलो मैम, क्या नाम है आपका? आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। नीतू ठाकुर। ये जितना ये बीच खूबसूरत है उतने ही यहाँ पे लोग भी खूबसूरत आते हैं। नीतू जी, कहाँ से आई आप? मैं ये टाटा से। टाटा से जी। टाटा किधर? जमशेदपुर। जमशेदपुर। अच्छा, जमशेदपुर से आई हैं। इस बार किसकी सरकार, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? नरेंद्र मोदी। क्यों नरेंद्र मोदी? राहुल गांधी क्यों नहीं? बस ऐसे ही सोच लिया इसलिए? नहीं नहीं, सोच नहीं लिया। हाँ, मतलब बहुत सारे अच्छे काम किए हैं इसलिए नरेंद्र मोदी। अच्छा, आपका नाम क्या है? अनुष्का ठाकुर। अनुष्का जी, आपने कभी, आप नरेंद्र मोदी को जानती हैं? हाँ। और राहुल गांधी जी को? दोनों को जानती है। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? नर्सरी। नर्सरी में पढ़ती हैं। और आप जानती हैं पीएम कौन है? कौन है बता दो। नरेंद्र मोदी। चलिए, थैंक यू। व्हाट्स योर गुड नेम? सुल्तान शाह। सुल्तान, कहाँ से हो आप? इधर कर्नाटक, दावणगेरे से। कर्नाटका। हाँ। अच्छा, इस बार क्या लग रहा है किसकी सरकार होगी? राहुल जी की होगी। राहुल जी की होगी, क्यों? तो मोदी जी से इतना डिस्टर्ब होकर है बहुत लोग। हाँ। और ये नोटबंदी से उधर से बहुत डिस्टर्ब होकर है। नोटबंदी से प्रॉब्लम हुई है? हाँ, बहुत, बहुत। अच्छा, ठीक है, तो अगर आपको बीजेपी सरकार को, क्योंकि अभी फिलहाल बीजेपी की सरकार है, उनको नंबर देना हो 10 में से, तो कितना देंगे? अभी तो फिलहाल उन्होंने थोड़े बहुत अच्छे काम तो किए हैं, उनको तो 10 में से 6 तक मिलेंगे शायद। 6 तक मिलेंगे। चलो, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? हमारा नाम देवजनी मुचा है। किधर से आए आप? हम कलकत्ता से आया। कलकत्ता से आए। आपको क्या लगता है इस बार नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। दीदी नहीं, दीदी नहीं मांगता? बिल्कुल नहीं। क्यों? मोदी जी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। ममता दीदी भी तो पीएम बनना चाहती है।
वो बनना चाहती है बट मोदी जी के सामने उनका कुछ नहीं है। आपका नाम बताया, बताइए। मृत्युंजय हाजरा। नरेंद्र मोदी तो चाहिए चाहिए, क्योंकि 4.5 साल में जो हम लोग डेवलपमेंट देखा है ये पिछला मतलब कांग्रेस का टाइम में कभी भी नहीं हुआ है। और दीदी का रहते हुए बंगाल का भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है, बंगाल वाला को बाहर जाना पड़ रहा है नौकरी करने के लिए। अच्छा, ये प्रॉब्लम है उधर। आपको क्या लगता है कितना नंबर बीजेपी सरकार को, कितना नंबर 10 में से 9.9। थैंक यू सो मच। कम, कितने साल की हो बेटा? 21। वोट देते हो, मतलब इस बार वोट दोगे? नहीं नहीं, अभी वोट नहीं दिया, पर वोटिंग करना पड़ेगा इस बार, तो देना ही पड़ेगा। फर्स्ट टाइम वोटर दोगे इस बार? क्या लगता है, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी, कौन चाहिए? राहुल गांधी। इस बार तो अभी वोट नहीं की हूँ, देखेंगे। वोट करोगी तो किसको, किसको सोचा है? अभी तो नहीं सोची हूँ। नहीं सोचा? कौन सी सरकार चाहिए, कैसी सरकार चाहिए आपको? सरकार बदलनी चाहिए। सरकार बदलनी चाहिए। आपका नाम बताइए। पन्ना आडिल जी। किधर से आए? रायपुर, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ रायपुर, वहाँ पे सरकार बदल गई है? भूपेश बघेल जी की सरकार आ गई है जी। बहुत ही सब कुछ अच्छा हो रहा है वहाँ पे, रोजगार में बढ़ावा हुआ है, किसानों को बहुत लाभ पहुँचाया गया है वहाँ पे। और वैसे ही हमारे राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हुआ गया है जो भी हमारे छत्तीसगढ़ केंद्र में। लगता है कि बदलेगी कि नहीं? हाँ, बदलनी चाहिए मैडम, 100% बदलनी चाहिए। विधानसभा में बदलने के बाद लोगों को लगता है कि केंद्र में भी सरकार बदलनी चाहिए। हाय राजेश जी, किधर से आए? मैम क्या नाम है आपका? सोनिया। आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। अच्छा सोनिया जी, अभी इधर ये लहरें बहुत ज्यादा आ रही हैं। अच्छा मुझे बताइए कि इस बार किसकी सरकार? मोदी की सरकार। मोदी की सरकार, बीजेपी। बीजेपी क्यों? क्योंकि उन्होंने देश के लिए काफी कुछ किया है, उन्होंने देश के लेवल पे सोचा है। अच्छा, राहुल गांधी क्यों नहीं? नहीं वो नहीं, वो नहीं, वो पर्सनली सोचते हैं। अच्छा, आपका पर्सनल सोचना है। अच्छा, पिछली सरकार को 10 में से नंबर देने हो, कितने देंगे आप? पिछली मतलब जो अभी चल रही है, जो अभी चल रही है करंटली बीजेपी, 10 में से आई विल गिव 8। 8, दो नंबर काटे आपने। क्या उम्मीद है आगे, क्या होना चाहिए, क्या करे सरकार? सरकार को थोड़ा जॉब के लिए देखना चाहिए। जॉब का बाकी सब ठीक है, जॉब उन्होंने नहीं निकाला, जॉब के लिए तो अब उसी के बारे में युवा पीढ़ी के लोगों को सोचना चाहिए। कहाँ से आए आप लोग? दिल्ली। दिल्ली से। इस बार किसकी सरकार? मोदी सरकार। क्यों मोदी, कोई और क्यों नहीं बताओ? क्योंकि उन्होंने जो भी एटलीस्ट करने की कोशिश की है चीजें, हालांकि नीचे से हो नहीं पाई है, टाइम लगेगा, बट एटलीस्ट स्टार्टिंग किया है। एक स्टार्ट जरूरी था इंडिया के लिए कि चलो खाने से अच्छा करना शुरू किया। आप कहाँ से आए हैं? मैं पूना से आया हूँ। पूना से आए सर, इस बार किसकी सरकार? किसकी सरकार? किसकी सरकार? ऊपर वाले की। ऊपर वाले की? क्यों, यहाँ जो पार्टी चल रही है उस पर भरोसा नहीं बीजेपी या कांग्रेस में से? No, I wouldn't like to comment on that. Okay, लेकिन आपको क्या लगता है कैसी सरकार होनी चाहिए? चलिए किसकी छोड़िए, कैसी सरकार चाहिए? जो सरकार डिसीजन ले पाए, would like people to take decisions rather than being indecisive, looking after the welfare of the people who are placed below you, that's the kind of सरकार that we'd like to have. Hi ma'am, क्या नाम है आपका? वंदना। वंदना जी, आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार? Definitely मोदी जी की। अच्छा, कोई और क्यों नहीं? क्योंकि मोदी जी इतना केपेबल हो भी नहीं सकता। इस देश को अगर कोई आगे ले जाएगा तो मोदी जी ही लेके जाएंगे। बट इस बार तो अलायंस बन रहा है, इस बार इतने सारे लोग जो महागठबंधन बना रहे हैं, उनको क्या लगता है, इतने बड़े बड़े नाम सामने हैं, लगता है कि इस बार बहुत कड़ी टक्कर होगी या मोदी जी के लिए उतना ही आसान होगा? शायद बहुत आसान होगा, क्योंकि जो लोग समझते हैं मोदी जी क्या कर सकते हैं, इस देश को कहाँ ले जा सकते हैं, तो शायद वो मोदी जी को ही वापस लाना चाहेंगे। क्योंकि जो गठबंधन बना है उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, क्या क्रेडेंशियल्स हैं उनके, सिवाय एक दूसरे पे थू थू करना, उनकी सिर्फ गलतियां दिखाना। लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन भी तो उन्होंने देखना चाहिए कि उन्होंने क्या किया है देश के लिए। आपको बुरा लगता है जब पॉलिटिशियंस अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जब राजनीति का स्तर डाउन हो गया है, बोलना किसी का मतलब जो भाषा है वो बहुत गलत इस्तेमाल होती है, बुरा लगता है कि हमारे राजनेता हमें क्या मैसेज दे रहे हैं? बुरा क्या, मुझे तो कई बार शर्म भी आती है कि दूसरे देश के लोग हमारे पॉलिटिशियंस के कहे हुए शब्दों का इतना इस्तेमाल करते हैं, उसका गैर इस्तेमाल भी होता है। और हम आने वाली जनरेशन को क्या दिखाना चाहते हैं, ये देश हम अपने दुनिया को दिखाएंगे, जो मोदी जी देना चाहते हैं वो, या जो कांग्रेस या गठबंधन के जीते भी नेता हैं क्या दिखाना चाहते हैं, कि हमारा देश ऊँचा उठ रहा है या इस तरह से नीचे गिर रहा है? कि हमारी नीतियाँ तो छोड़िए, हमारा आदर्शवादी छोड़िए, हमारी भाषा तक इतनी गिर चुकी है कि हम लोगों के सामने ठीक से एक दूसरे के बारे में बात नहीं कर सकते। आप एक अपने देश के प्रधानमंत्री के बारे में जो पोर्ट्रे करते हैं आज सारी दुनिया देख रही है, और हमारा देश का जो सर है हमेशा गर्व से ऊंचा होना चाहिए।
आज मैं एक फौजी की पत्नी हूँ कि आज इतना गर्व महसूस करती हूँ कि हमारे देश में जो कुछ भी आज फौजियों ने किया, इतना कुछ बलिदान दिया है, उस बलिदान की क्या कोई मूल्य है, कोई मतलब उसके लिए कोई उसकी कोई कीमत नहीं है कि आज उसके सबूत मांग रहे हैं। क्योंकि सबूत किस बात का सबूत, अपनी जान देने के बाद कोई वो उठ के आगे बताएंगे कि हमने देश के लिए जान दी है। आज उनके घर वालों के बारे में सोचिए जिनके आंसू नहीं रुक सकते हैं, उसके सामने क्या हम ये दिखा रहे हैं कि उनका उन जो चले गए हैं वो उठ के सबूत देंगे उनके घर वालों के। वेल स्पोकन मैम, वेल स्पोकन, मुझे मेरा जवाब मिल गया। लेकिन देखिए देश सर्वोपरि है, देश सबसे ऊपर है। हेलो मैम, हेलो सर, कैन आई सिट विद यू, कैन आई जॉइन यू? अच्छा आपका नाम क्या है? मेरा नाम विनय काबली। विनय जी कहाँ से आई हैं? मुंबई से आई। मुंबई से आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार, कौन सा नेता चाहिए? मैं राजकरण का मुझे इतना आइडिया नहीं है। हाँ। मैं उसमें नहीं, ठीक है, राजनीति में नहीं है। सर आपका नाम बताइए। विजय काबली। विजय जी क्या लगता है आपको अब की बार किसकी सरकार? मोदी की। मोदी की सरकार, दूसरी कोई क्यों नहीं? यानी कांग्रेस ने तो 70 इयर्स किया है, अभी 5 इयर्स में जो कुछ किया मोदी ने तो गरीबों के लिए और मिडिल क्लास और बिजनेस वाले सब के लिए कुछ ना कुछ किया है। तो आपको लगता है कि ऐसी सरकार चाहिए जो देश में कुछ करे? अच्छा अगर आपको गठबंधन की सरकार वर्सेस मोदी मिला तो क्या लगता है टक्कर ज़्यादा होगी या आसान होगा मोदी जी? नहीं टक्कर तो होगी, टक्कर होगी, यानी कि इस बार बहुत राहें आसान नहीं है मोदी जी के लिए। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार? सरकार तो बनाने बहुत मुश्किल है, चाहे यूपीए हो या एनडीए हो, लग रहा है कि तो मोदी जी थोड़ा आगे हैं, आगे चल रहे हैं, फिर भी यूपीए भी थोड़ा वो लोग जो गठबंधन कर रहे हैं ना, कोशिश कर रहे हैं। तो इस बार जनता किसका साथ देगी, ऐसा क्या लग रहा है माहौल? जनता देखो अभी तो बोलना बहुत मुश्किल हो जाए, लोग कभी भी एक ही रात में लोग चेंज होते ना। इंडिया है ना, कभी भी लोग कभी भी चेंज हो सकते हैं, यहाँ पर लोग कभी भी चेंज हो सकते हैं। हेलो सर, क्या नाम है आपका? रितेश। रितेश जी कहाँ से आए आप? हम कलकत्ता। कलकत्ता, इस बार क्या लग रहा है किसकी सरकार? सरकार तो किसी की भी बने। हाँ। अच्छी सरकार आए। हाँ। बीजेपी ऑप्शन, बीजेपी। अच्छा अभी तो आप कलकत्ता से इसलिए पूछ रहे हो क्योंकि ममता दीदी भी उसी रेस में है। हाँ। तो क्या लगता है इस बार वो टक्कर दे पाएंगी? नहीं नहीं, क्यों? नोबडी कैन मैच। अच्छा। ये सब माने अपना स्टेट वाइज में है। हाँ। बट नेशनल फ्रंट में और कोई नहीं है, दे कैन नॉट फॉर्म। राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं आप? We can just not think of him being a prime minister of our country. मैम क्या नाम है आपका? शुभिका। शुभिका जी नोट गिन रही हैं, नोट बंद हो गए थे बीच में, प्रॉब्लम तो नहीं हुई थी? एकदम भी नहीं। एकदम नहीं, तो इधर कौन अभी, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी, yes. अच्छा राहुल गांधी क्यों नहीं? नरेंद्र मोदी, बस एक ही नाम सोच लिया। चलिए ठीक है, कुछ ऐसी ही सोच और बेबाकी के साथ हमारी इंडिया में लोग राय रखते हैं और यही इस लोकतंत्र की खूबसूरती है। क्या नाम है आपका? सोनी। इधर आइए आप। सोनी जी कहाँ से हैं आप? बिहार। बिहार से, फिर तो मुझे एक अच्छी राय मिलेगी। क्या लगता है आपकी बार किसकी सरकार? बोलना तो मुश्किल है। नरेंद्र मोदी राहुल गांधी? नरेंद्र मोदी। क्यों? बहुत कुछ अच्छा भी है तो बहुत कुछ बुरा भी है, दोनों बताइए। बहुत कुछ अच्छा मीन्स लाइक बहुत कुछ सेफ्टी के पर्पस। हाँ। डिमोनेटाइजेशन। डिमोनेटाइजेशन से दिक्कत नहीं हुआ? नहीं नहीं, आपको लगता है ठीक है? सेविंग है। अच्छा चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आप सर आपका? आई एम डॉक्टर सुविक्रम ज्योति फ्रॉम चंडीगढ़। अरे चंडीगढ़ से सर आए, एकदम बेबाकी से अपनी राय रखेंगे। सर क्या लग रहा है? डॉक्टर। अरे वाह, ये मतलब पूरी डॉक्टर्स की फौज है इधर। सर क्या लग रहा है आपकी बार किसकी सरकार? बीजेपी। क्यों? He is the only, no other alternate in India. अच्छा राहुल गांधी अपने पूरे अलायंस के साथ आने वाले हैं। क्या फायदा? इस बार महागठबंधन भी तो है। महा हो क्या, घोटाला बंधन है। एक्चुअली लीडर शुड बी इटसेल्फ ए फिगर टू फॉलो, यू नो, you walk and the people walk on the footpath. Hmm. On your footprints. Hmm. A leader should be of integrity, character. Hmm. Corruption free. Hmm. Strong man. Hmm. Until now India hasn't got such a person like Modi. Okay. आपको क्या लगता है सर, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर आशीष कौशल, मैं पंजाब से हूँ, राजपुरा। देखिए इस बार थोड़ा सा टॉस होने वाला है, बट Still the nation wants a strong leader. देखो मोदी अगर आए दोबारा तो आपको लगता है कि कड़ी टक्कर होगी क्योंकि महागठबंधन भी साथ है?
हाँ इस बार लग रहा है कि कड़ी टक्कर होने वाली है, बिकॉज लोगों ने बीजेपी को फॉर ग्रांटेड ले लिया था, तो लोग जितना उनसे एक्सपेक्टेशन थी उतना वो डिलीवर नहीं कर पाए, तो लोगों की कुछ नाराजगी भी है उनसे, बट स्टिल वी विल द नेशन वांट्स अ स्ट्रांग लीडर। जो एक नेशन स्ट्रांग लीडर चाहता है, ये सब चाहते हैं, लेकिन उस स्ट्रांग लीडर में क्या खूबी होनी चाहिए? मैम क्या नाम है आपका? डॉक्टर सुमन ज्योति। क्या लगता है आपको किसकी सरकार? बीजेपी। इतना स्ट्रांग फीलिंग है आपको, क्या उम्मीदें हैं आपकी? लीडर इज वेरी स्ट्रांग। अच्छा, वो कोई कंट्री में चेंजेस लाना चाहता है। भूषण सिंह, शशि भूषण सिंह, बहुत अच्छा नाम है आपका। अच्छा ये बताइए, अब की बार किसकी सरकार? बीजेपी। दूसरा कोई क्यों नहीं? चलाने लायक नहीं, चलाने लायक नहीं है, चलाने लायक नहीं है, देश को चलाने लायक नहीं है, है। महागठबंधन? महागठबंधन भी नहीं। प्रियंका जी भी आ गई अब तो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको क्या लगता है? मोदी की सरकार होगी। क्यों? बिकॉज ही इज अ वेरी गुड लीडर। अच्छा, उनकी एक विजनरी है, अच्छी इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, और अभी जो बजट आए हैं उसमें जो उन्होंने जो मिडिल क्लास के लिए दिया है, खास करके जो टैक्स एग्जम्पशंस हैं, इवन फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर्स बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने अभी लाए हैं, तो फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर इट इज़ अ वेरी गुड। एंड जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसके कारण हमारा ग्रोथ हो रहा है, और जो एक सबसे बड़ी चीज़ है जो इमेज होती है ना कंट्री की इमेज, राइट नाउ व्हाट द इमेज वी आर हैविंग इन द वर्ल्ड एरिना, प्रीवियसली वी वर नॉट हैविंग दैट, दैट्स व्हाई इट इज़ माय विश मोदी शुड कम। देखिए मुझे जितना भी मैं गोवा घूमी हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन से विचारधारा है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ मंदिर है या मस्जिद है या नहीं, लोगों को सिर्फ इससे फर्क पड़ता है कि जब देश की बात हो तो देश ही सर्वोपरि होगा, और जो देश को सर्वोपरि रखने की बात करेगा लोग उसी को चुनेंगे और उसी की सरकार भी बनाएंगे। तो आज कोलवा बीच गोवा से इस पेशकश में इतना ही, नेक्स्ट एपिसोड में आपको ले जाऊंगी इलेक्शन एक्सप्रेस की यात्रा के साथ कहीं और, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, नमस्कार।